हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर से आ गया हूँ एक और बेहतरीन वीडियो लेकर। दोस्तों, आज हम डेमो करने वाले हैं सीपीएम मशीन का एलसीडी मॉडल में। तो चलिए डेमो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए डेमो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मशीन आपको कुछ ऐसे लुक की मिल जाती है। सीपीएम मशीन की वीडियो मैंने पहले भी बनाई हुई है, लेकिन वो नॉर्मल में है। ये आपको एलसीडी मॉडल में मिल जाती है, और यहाँ पे आपको हेल्थ केयर डिवाइस की ब्रांडिंग मिल जाती है। दोस्तों, चलिए हम मशीन में मैन कोड लगाते हैं। सबसे पहले मैन केबल लगा देंगे पीछे, मशीन ऑन कर देंगे। तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ी सी इसकी ऑपरेटिंग बता देता हूँ, कैसे आपको ऑपरेट करना है, आपको दिक्कत ना आए। दोस्तों, ये इसकी डिस्प्ले है। डिस्प्ले पे आपको 5 बटन दिख रहे हैं। तो फर्स्ट का जो बटन है वो आपको स्टार्ट और स्टॉप का बटन मिल जाता है, रेड कलर का जो यहाँ पे है। यहाँ पे आपको टाइमर मिल जाता है अप डाउन, यहाँ से आप टाइमर घटा बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, आपको यहाँ पे मोड का ऑप्शन मिल जाता है, एक आपको फ्लेक्सिबल और एक एक्सटेंड, दो मोड मिल जाते हैं आपको। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे हमने टाइमर बढ़ा दिया, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लिंक कर रहा है। अगर हमें नीचे वाले पे जाना है तो इस पर क्लिक करेंगे, फिर इस पर करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको सेट करना है। सेट करने के बाद आपको स्टार्ट का बटन दबा देना है, मशीन स्टार्ट हो जाएगी। और मशीन में आपको जैसे कि दो एंगल ये दिख रहे हैं, ये दोनों आपका एंगल वापस जाने का। अगर आप इसको यहाँ पे रोक देंगे तो मशीन जब इससे टक्कर होगी तो स्विच अपने आप इसको बैक भेज देगी। तो अपने हिसाब से आप इसका एंगल सेट कर सकते हैं, जितना भी आपको रखना है, जितने भी डिग्री पे। यहाँ पे आपको डिग्री दिया हुआ है। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कैसे यूज करना है। तो दोस्तों, हम पेशेंट का जैसे कि अब यूज कैसे करना है वो बता देता हूँ। पहले बेल्ट बेल्ट को खोल लेंगे, इसमें 3 बेल्ट होती है, तीनों को खोल लेंगे जो भी आपको लेफ्ट। तो दोस्तों, तीनों बेल्टें खोल ली हमने। अब हम जो भी पेशेंट है उसका पैर हम मशीन पे रख देंगे और बेल्ट अपने अकॉर्डिंग लगा लेंगे, बढ़िया से टाइट कर देंगे। तो बेल्ट लग चुकी है। पेशेंट स्विच हम पेशेंट के हाथ में दे देंगे कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों, अब मैं सेटिंग कर लेते हैं यहाँ से कि हमें पेशेंट को कैसे ट्रीटमेंट देना है। तो यहाँ से हम टाइम को बढ़ा लेंगे। सबसे पहले इसको हम 10 मिनट कर देंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्लेक्स और एक्सटेंड, तो इसके भी इस पे हम क्लिक करेंगे। अगर इसका भी टाइम आपको बढ़ाना है या घटाना है तो आप बड़ा घटा सकते हैं कि ये कितनी देर फोल्ड करने के बाद होल्ड करेगा। तो अगर इसका भी टाइम हम बढ़ाना चाहते हैं तो हम बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने 6 सेकंड, 7, 8 और ये 10 सेकंड कर दिया, लेकिन 10 हमें नहीं रखना है, हम 5 सेकंड ही रखते हैं। इसका भी 5 सेकंड कर देते हैं।
इसके बाद हम स्टार्ट का बटन दबा देंगे, मशीन स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मशीन स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों पेशेंट स्विच जो पेशेंट के हाथ में है वो जब चाहे रोक सकता है, जैसे उसने रोक दिया और फिर से वो दबाएगा, फिर से मशीन चालू हो जाएगी। जब मशीन चालू होगी तो जिस मतलब अगर वो इस तरफ जा रहा था तो इस तरफ जाने लगेगा। अगर आपको फिर से दोबारा उधर ही करना है तो फिर से आप एक बार स्टॉप करके स्टार्ट करेंगे तो उधर जाने लगेगी। तो इसको हम जाने देंगे उस थोड़े से एंगल तक। अगर हमें इस एंगल को भी सेट करना है तो इसको भी हम सेट कर लेंगे कि इससे आगे ना जाए। तो दोस्तों जब भी मशीन इस सॉकेट तक आएगी तो मेन स्विच से टकरा के फिर वो वापस चली जाएगी। दोस्तों ये देखिए, अब ये 5 सेकंड होल्ड करेगी और फिर बैक आ रही है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको ये मशीन यूज करनी है। आपको किसी भी टाइम अगर मशीन को स्टॉप करनी है, पेशेंट स्विच आप दबा दीजिए, मशीन स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप हो गई इसी तरीके से, फिर हम दबा देंगे, फिर अपोजिट साइड में जाने लगी, फिर हम दो बार दबाएंगे तो स्ट्रेट होने लगेगी। तब ये स्ट्रेट हो रही है। तो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा डेमो CPM मशीन का। डेमो कंप्लीट होता है। थैंक यू।